तो बताओ रुचिता, क्या खेल खेल रही हो तुम? हाँ भी आप क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी ज्यादा मंद बुद्धि तो नहीं लगती मुझे तो, कि तुम्हें मेरी बातें ही समझ में नहीं आ रही रुचिता। उस दिन क्लाइंट के सामने तुमने मुझे कीचड़ में गिराया, फिर पंडित भोग वाले दिन मेरा ही प्रसाद खराब करना। ये हलवा है या नमक की बोरी? आपकी छोटी बहू खाने की कला में जितनी गुण बनती है, बड़ी उतने ही निर्गुण। और उसके बाद प्रतीक जी के साथ डेट भी कैंसिल करा दी, और आज ये किया तुमने मेरे सैश के साथ, चला दिया उसे। ये सारी बातों से ही पता चलता है रुचिता कि तुम्हें मेरी खुशियों से, मेरी रिस्पेक्ट से, और सबसे ज्यादा मेरी खूबसूरती, मेरे रंग रूप से जलन है तुम्हें। हाँ भी आप गलत समझ, बिल्कुल सही समझ रही हूँ मैं। जानना चाहती हूँ तो चलो। ये देखो, ये है हमारा सच। हम दोनों के रंग में, खूबसूरती में जमीन आसमान का फर्क है। बात कटकती है ना तुम्हें रुचिता, इसलिए किया ना तुमने ये सब। लेकिन तुम कुछ भी कर लो रुचिता, तुम मेरी हर चीज जला के रख दो, लेकिन हम दोनों के बीच का ये फर्क कभी नहीं मिटा पाओगी। मैं हमेशा सुंदरी लगूंगी। मामी आप गलत समझ रही, मेरे लिए खूबसूरती कभी रंग रूप है ही नहीं। मेरे मम्मी पापा ने हमेशा से मुझे सिखाया है कि इंसान का मन ही उसकी खूबसूरती होती। अच्छा, तो फिर जब प्रियू प्रियू के फ्रेंड्स मेरी तारीफ कर रहे थे, तो तुम्हारी आंखों में जलन क्यों दिख रही थी? मम्मा, इस वनीला शेक की तरह है, वाइट वाइट, और तेरे चाचे इस चॉकलेट शेक की तरह डार्क। तुम्हें बुरा क्यों लग रहा था? अरे, तुमने तो कभी कोई खूबसूरती का खिताब जीता नहीं है। तुम्हें क्या पता होगा कि मिस राजस्थान बनना कितनी बड़ी बात होती है। इसलिए मेरी जीत पर दाग लगा दिया ना तुमने, मेरी इस निशानी को जला के राख कर दिया तुमने। दिफरानी जिठानी के बीच का मामला है बेटा, तुम बीच में ना बोलो तो ही अच्छा है। अभी मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया और ना ही कभी कर सकती, क्योंकि मैंने हमेशा से यही सीखा है कि ऊपरी खूबसूरती सिर्फ चार दिन की होती, जिसको एक दिन तो ढलना ही, मोल तो मन की सुंदरता की होती है। भाभी, मुझे भी यही लगा था रुचिता, इसीलिए तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा था। लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी तुम्हारी रंग की तरह ना तुम्हारा मन भी काला है।
बिल्कुल इस काले रंग की तरह। ये कालापन ही तुम्हारी असली पहचान है रुचिता। ये पहनना तो तुम्हारा सपना होगा ना, तो आज मैं तुम्हारा सपना पूरा करती हूँ। कांग्रेस, तुम्हें मिलता है मिस काला मन ऑफ राजस्थान। तालियों मारो। और एक चीज और, जिसका मन सुंदर नहीं होता ना, उससे कोई रिश्ता नहीं रखती। तो आज से, बल्कि अभी से, ना तुम मेरी छोटी बहन और ना मैं तुम्हारी बड़ी बहन। अब हमारे बीच में रिश्ता होगा केवल देवरानी जेठानी का। वो भी सिर्फ नाम का। घर कम थिएटर ज्यादा बन गए, रोज नए नए ड्रामे हो रहे। हमारा मकसद पूरा हो गया माँ जी। ऋतु और रुचिता की बढ़ती नजदीकियां गहरी खाई में बदल गई हैं। हाँ पूनम, कल नरेश भी आ रहा है। उसके आने से पहले किसी भी तरह से इस घर से इस लड़की को अलविदा करना है। फिक्र मत कीजिए ना माँ जी, उसका इंतजाम भी हो गया है। चंद घंटे बचे हैं उसकी विदाई के। ऋतु, माना रुचिता से गलती हुई थी, लेकिन तुम आज गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। प्रतीक जी प्लीज, मतलब कभी तो मेरा भी साथ दीजिए। मेरा इतना बड़ा इवेंट मिस हो गया और आप अभी भी रुचिता की साइड ले रहे हैं, अभी भी उसी की वकालत कर रहे हैं। तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जानता हूँ तुमने आज तो सुना दिया, लेकिन कल गुस्सा शांत होने के बाद तुम खुद ही परेशान होगी। अभी तो फिलहाल मैं इसलिए परेशान हो रही हूँ क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी ना आप रुचिता की ही साइड ले रहे हैं। You know what? माँ और दादी ना बिल्कुल सही बोलते हैं, वो लड़की है ही नहीं इस घर की बहू बनने लायक। अफसोस तो मुझे बस इस बात का होता है कि मुझे ये बात समझने में इतनी देर कैसे लग गई। रितु, रितु। अच्छा है, रुचिता से दूर होकर कम से कम रितु अपने पति और अपने बेटी की तरफ ध्यान तो देगी। जिस तरह से रितु उसके चुंगल से निकली है, खाटू श्याम जी करे, मेरा निहार भी उस लड़की से जल्द आजाद हो जाए। हमारे रिश्ते का नाम भले ही देवरानी जेठानी है, पर हमारे बीच रिश्ता बहनों वाला होगा। इसीलिए तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा था, लेकिन तुमने साबित कर दिया, तुम्हारी रंग की तरह ना तुम्हारा मन भी काला है। हाँ रचिता, तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो। तुम्हें मेरी खुशियों से, मेरी रिस्पेक्ट से और सबसे ज्यादा मेरी खूबसूरती, मेरे रंग रूप से
चलन है तुम्हें। भाभी ने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट किया, मगर तुमने उनके किसी इम्पोर्टेंट काम की जिम्मेदारी ली थी तो अच्छे से करना चाहिए था। मैं अच्छे से ही कर रही थी आज, पता नहीं कैसे चल गया। इनफ यार, हर चीज को ये पता नहीं का टैग देना बंद करो। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो जाता है और तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कैसे हो गया। सॉरी, लेकिन अब तो मुझे भी लगता है कि माँ और दादी बिल्कुल सही कहते हैं, शायद तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। यार जी, आप भी कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में जैसे तुम बिहेव कर रही हो उसे मैं क्या, कोई भी यही कहेगा कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। अगर तुम्हें डॉक्टर की हेल्प नहीं चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज मेरे घर वालों से दूर रहो, स्पेशली रितु भाभी से। प्लीज मेरी बात को समझो, मैं अपने घर वालों को इस हालत में नहीं देख सकता। अगर तुम्हें कोई भी स्ट्रेस है या तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन प्लीज तुम ऐसे बिहेव करना बंद कर दो। सब सही कह रहे हैं क्या? मुझे सच में डॉक्टर की जरूरत है। मैंने तो तुम्हें पहले प्रपोज किया था, तो ऑफ कोर्स आई लव यू। मैं ये रिश्ते के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकती, इसलिए मुझे लंदन जाना ही होगा। उसके बारे में सोचने से कुछ बदल नहीं जाएगा, तो फिर क्यों परेशान होना? इसलिए बेटर है कि आगे से केयरफुल रहा जाए। आप कब उठे? वो अचानक से नींद टूट गई थी मेरी। एनीवेज, नींद लाने का एक परफेक्ट सलूशन है मेरे पास। ये मेरी स्पेशल प्लेलिस्ट है, इसे सुनोगे तो फट से नींद आ जाएगी। इसे सुनो और ले जाओ। अगर रात को अच्छे से नहीं सोई तो कल सुबह फिर कोई नया हंगामा करेगी। कहाँ फंस गया?
भाभी आपके फेवरेट मूंग दाल के पराठे बने हैं, प्लीज खा लीजिए। चल यार हमें मीटिंग के लिए निकलना है, लेट हो रहा है। आज नरेश वापस आ रहा है, तुम लोग खाने के लिए घर आ जाना। जी। बाय बेटा। बाय माँ। बाय। बेटा मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी माँ कहिए। बहुत दिनों से मेरी फ्रेंड्स घर आना चाह रही हैं और मैं बहुत दिनों से उन्हें टाल रही हूँ, लेकिन इस बार तो उन्होंने जिद ही पकड़ लिया और मैं समझती हूँ बेटा तुम्हारे और ऋतु के बीच में जो चल रहा है ये सही समय नहीं है उन्हें बुलाने का, लेकिन इस बार मैं उन्हें मना नहीं कर पा रही हूँ। नहीं माँ, मना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें बुलाइए ना। इनफैक्ट अगर आपको कुछ स्पेशल बनाना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बना दूँगी। कितनी समझदार हो तुम। अच्छा तुम्हें वो वेज अंगारा बिरयानी बनानी आती है क्या? मेरी फ्रेंड्स को बहुत पसंद है वो और वो वही खाना मांग रही हैं। अंगारा बिरयानी? हाँ मेरे पापा को बहुत पसंद है, तो मैंने मम्मी को दो तीन बार बनाते हुए देखा है तो थोड़ा आइडिया है। वैसे मैं इंटरनेट से पूरी रेसिपी देख के बना सकती हूँ। अच्छा ठीक है, जाकर तुम खाने की तैयारी करो, मैं उन्हें बुला लेती हूँ। मुबारक हो माँ जी, रुचिता की विदाई को पास अब चंद घंटे बाकी है। अंगारा बिरयानी की कोयले की चिंगारी इस लड़की के हर सपने को जलाकर राख कर देगी। अरे बैठो ना प्लीज बैठो। नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते। पूनम मुदी खाई के बाद जो हमने भेलपुरी खाई थी तुम्हारे बहू की हाथों की, अब अंगारा बिरयानी के लिए इंतजार ही नहीं हो रहा। तुम लोग बैठो मैं देख कर आती हूँ। खुशबू आ रही है, तुमने कोयले का धुआं लगा दिया ना इसमें? जी माँ बस वही करने जा रही थी। बहुत अच्छा। अच्छा तुम बता रही थी ना कि तुम्हारे पापा को ये वाली बिरयानी बहुत पसंद है, तो एक काम करो ना, थोड़ी सी बिरयानी दीपक के हाथों भिजवा दो ना पापा के ऑफिस में। नहीं माँ उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? अरे उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनकी बेटी के हाथ में कितना स्वाद है। जाओ टिफिन निकालो और पैक कर दो। जाओ जाओ जाओ। खुशबू से ही पता चल रहा है कितनी टेस्टी बनी है बिरयानी। मेरी प्लेट भी लगा दो, मैं भी इन्हीं लोगों के साथ खा लेती हूँ। जी माँ। ये रुचि ने भेजा है? जी। रुचि ने अचानक बिरयानी क्यों भेज दी? फोन करता हूं उसको। फोन भी नहीं उठा रही है, तो
उसके ससुराल का खाना मैं ऐसे कैसे खा लूं? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करती हूँ दोबारा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पता नहीं ये उसने भेजने से पहले किसी से पूछा भी है या नहीं, कहीं वहां किसी को इस बात से तकलीफ ना हो। मैं ये वापस करके आता हूँ। थैंक यू बेटा। बेटा रुचिता मेरी प्लेट भी लगा दो, मैं भी इन्हीं लोगों के साथ खा लेती हूँ। जी माँ। थोड़ी सी बिरयानी दीपक के हाथों भिजवा दो ना पापा के ऑफिस में। जाओ टिफिन निकालो और पैक कर दो। हुआ बेटा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। सच में इतनी अच्छी बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाई। सच्ची? तो मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ। चिता को कोई मानसिक बीमारी थी तो आप हमें पहले बता देते। आपकी बेटी? मैं अभी इसी वक्त अपनी बेटी को लेके जाता हूँ। आपको कोई मानसिक बीमारी थी तो आप हमें पहले बता देते। आपकी बेटी? मैं अभी इसी वक्त अपनी बेटी को लेके जाता हूँ। आपको कोई मानसिक बीमारी थी तो आप हमें पहले बता देते। आपकी बेटी? मैं अभी इसी वक्त अपनी बेटी को लेके जाता हूँ।